start with our first newsmaker this evening, Uddav Thakre. How does he justify and explain the use of threats and intimidation when it comes to Shah Rukh Khan? What about his warning to Rahul Gandhi? And is all of this because Raj Thakre has forced him to become more extremist than he was? It may have started off as a standoff between Shah Rukh Khan and the Shiv Sena, but it soon snowballed into a political controversy that brought Rahul Gandhi and the Shiv Sena face to face, eyeball to eyeball. Now, Udav Thakre has even said that if Rahul Gandhi doesn't watch his words, they may soon stop him from coming to Mumbai. And the entire controversy is causing rumblings within the Congress NCP coalition as well. How is this standoff going to resolve? Joining us now is Udav Thakre himself. Udavji,

जैसे बिजली की समस्या है आज भी है चुनाव तो हो गए ठीक है कांग्रेस की सरकार आ गई एनसीपी साथ है आ, फार्मर की सुसाइड वो सारे मुद्दे आज भी है और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे लोड शेडिंग तो बढ़ती जा रही है महंगाई तो बढ़ती जा रही है पर आप उन सब के बारे में तो बात कर नहीं रहे लेकिन बीच में ये जो मुद्दा आ गया मुंबई का ऐसी कौन सी बात मुंबई में हुई है कि सारे लोगों की का ध्यान मुंबई या नजर मुंबई पर आ गई कितने लोग हम पीट रहे कितने लोगों को लोगों की पिटाई हो रही है ये जो ये सारे लोग जो है वो मुंबई की महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे हैं आप, आप, आप लोगों को देखिए जिनको शिवसेना ने टारगेट किया है ओवर टाइम सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान मुकेश अंबानी मैं तीन नाम दे रही हूं दीज आर थ्री नेशनल आईकॉन्स आप इन तीन जन जिनका मैं नाम लिया है वुड यू कंसिडर देम टू बी ने तो नेशनल आईकॉन बिल्कुल है

जब भी देश के ऊपर जब संकट आया है महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है रक्षा के लिए तो वो शिवाजी महाराज के जमाने से हम अगर हम चालू करिए शायद उनसे भी पहले बड़े बड़े व्यक्ति महाराष्ट्र में हुए हैं बाद में लोकमान्य टिड़क सावरकर आगरकर चाफेकर जितने क्रांतिकारक भी महाराष्ट्र में हुए हैं शायद ही किसी और प्रदेश में हुए होंगे तो ये बात देश प्रेम ही दिखाता है आज भी हम ये नहीं कह रहे कि हम देश से अलग होना चाहते हैं मुझे एक बात का दर्द होता है जब महाराष्ट्र तोड़ने की कोई भाषा करता है विदर्भ अलग चाहिए उनकी कोई आलोचना नहीं करते हम तो कहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र से हम अलग नहीं होने देंगे तो, तो, तो हमारी आलोचना होती है ते तेलंगाना अलग कर रहे हैं तो उनकी कोई आलोचना नहीं करीव दैट नेशन इसलिए मैं बताना इसलिए मैं बताना चाहता हूँ जब हमें आजादी मिली और भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई ये तो हमने नहीं की फिर कहा जाता है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है अनेकता आपने बनाई है

है ना? मैंने कहा हमने कब ना किया तो अगर कोई कहता है, मैंने कल अगर कहा, कोई कहता है मुंबई इज फॉर ऑल इंडियंस इसमें आपको क्या तकलीफ है फिर सारे फिर कश्मीर है या नहीं है कश, कश्मीर के ऊपर तो तभी तो लड़ाई होती है इसलिए मैं कहता कि पहला है पहली बात जहां पर समस्या अधिक गंभीर है इस पिछले 26 जनवरी को वहां हम तिरंगा नहीं लहरा सके तो उस बारे में किसी को तो कुछ क्या मुंबई कश्मीर बन गया है नहीं बना ये तो मैं कहता हूँ तो मुंबई बनाना में... चाहते हैं क्या? नहीं ना इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मुंबई के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है लोग आए हैं और रहते हैं ऐसे एक मुझे आदमी बताओ कि डर डर के मारे मुंबई छोड़कर भाग गया है जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भागे उनके लिए आज भी कोई नहीं बोल रहा है लेकिन मुंबई के बारे में आपको क्यों चिंता है मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है